वो चाहते थे कि मेरे लोगों को कोई कष्ट तकलीफ पीड़ा ना हो। इन्होंने बहुत पीड़ाएं कष्ट और तकलीफ झेले हैं, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे शिक्षा की पीड़ा हो, चाहे धन संपदा यश और कीर्ति की मान सम्मान की हो। अब मैं इनसे ज्यादा इनकी पीड़ा को और देख नहीं सकता। लेकिन इस मनुवादी चापलूस लोगों ने हमारे समाज के साथ पल पल और क्षण क्षण धोखा करके डिवाइडेड द रूल पॉलिसी अमेंडमेंट करके हमारी ताकतों को, हमारी शक्तियों को छिन भिन करने का काम किया। हम सब लोग बड़े पैमाने में अपने कबीलों के सरदारों के रूप में, जब छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे देश हुआ करते थे, उन पनागाहों में हम अपने सम्मान के साथ जिया करते थे। हमारे समाज के अपने नियम होते थे, हमारे कानून होते थे, हमारे संस्कार होते थे, हमारे सभ्यता होती थी, हमारे मरने जीने के खुशी के तमाम अलग तरीके के तरीके होते थे। कि हमारी ज़हनियत के अंदर कि ये लोग कभी राजा बनने की बात ना सोचे, ताकतवर बनने की बात ना सोचे, कभी देश के उन राजाओं से, सत्ता शासकों से लड़ने भिड़ने की ताकत ना रख सके, उनके ह्यूमन और पावर को, इम्यूनिटी पावर को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो लाल फीता शाही, डंडा शाही, खाकी वर्दी को देख करके ही ऐसे हो जाए कि हम तो चोर हैं, कमजोर हैं। बाबा साहब के काफिले को, बाबा साहब के मिशन को जो आगे ले जाकर के जाना चाहते हैं और बाबा साहब के उस सोच को पूरा करना चाहते हैं, जिनके एहसान 6,743 जातियों पे नहीं, भारत की जितनी करोड़ जनता है उनके ऊपर भी है। क्यों? कि बाबा साहब अपने खून की स्याही बना करके रातों की आंख, रातों की नींद को चीर करके भारत के उस मानवतावादी संविधान को नहीं लिखते तो शायद आज हमारे भारत की मूल निवासियों का हर से बहुत बदतर होता। धन करते हैं बाबा साहब, यह आपका कर्ज मूल निवासियों पे नहीं, भारत के अंदर जो भी जिन जातियों का, धर्मों का, देश विदेशों का जो व्यक्ति रहता है उन पे आपका ऋण है। और हमें और आपको सभी को चाहिए जिस भी रूप में, तन से, मन से, धन से, श्रम से, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जिन्होंने आप लोगों के लिए, इस देश के लिए, गरीब दलित मजलूम शोषित किसान वांछित सब लोगों के लिए, समय का अभाव है क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता हैं, फिर कभी हम आपसे मुलाकात करेंगे तो बताएंगे। जिनका हम पे ऋण है, उनके सपनों का देश बनाना है, जिन्होंने हमारे लिए, दुनिया में अगर कोई इंसान है, अगर कोई पशु भी है, तो वह दुनिया में अपने बच्चों से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करता। लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चों की भी परवाह न करते हुए अपने बच्चों का भी समर्पण इस देश के मूल निवासियों के लिए समर्पित किया है, बीबी का भी समर्पित किया है। और इतने बड़े पढ़े लिखे दुनिया के विषम में डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी जिनको विषम के अंदर कोई भी अपने गले से लगाने को लिए तैयार था, भारत के चार मनुवादी लोग भी उसको कुछ प्रलोभन और लालच देकर के बड़ी सत्ता में बिठाना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जब तक मेरे मूल निवासियों को हक और अधिकार इस भारत की सरजमी के इस कण कण के ऊपर उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, मैं किसी भी सत्ता में बैठूंगा नहीं। अगर आप लोग ये मेरे साथ फैसला करते हो, संधि करते हो, तो मैं तैयार हूं। लेकिन उस मनुवादी चापलूस लोग बाबा के साथ पल पल और क्षण क्षण धोखा करते रहे। जितने भी भारत के अंदर मनुवादियों ने बाबा साहब के साथ सौदे किए, उन सौदों के अंदर बाबा साहब को
अपने लोगों की खातिर झुकना पड़ा, चाहे वो पूना पैक्ट हो, चाहे अन्य और भी कई ऐसे पैक्ट हुए हैं जिन पे बाबा साहब को कमजोर होकर के झुकना पड़ा। वो चाहते थे कि मेरे लोगों को कोई कष्ट तकलीफ पीड़ा ना हो, इन्होंने बहुत पीड़ाएं कष्ट और तकलीफ झेले हैं, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे शिक्षा की पीड़ा हो, चाहे धन संपदा यश और कीर्ति की मान सम्मान की हो, अब मैं इनसे ज्यादा इनकी पीड़ा को और देख नहीं सकता। तो मैं आज सांसी समाज के तत्वधान में, जो हमारा मार्गदर्शन भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वधान में किया है, आज मैं 2 मिनट ज्यादा समय लूंगा आप लोगों का, क्योंकि मेरे वक्ता बैठे हुए हैं। आज बेशक इस सभा में मेरे सांसी समाज के कुछ लोग ज्यादा संख्या में उपस्थित नहीं हो रहे हो सके, मैं आज आप सबको वादा करता हूं अगली मीटिंग के लिए मैं स्वयं आप सभी साथियों से एक जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूं, काफी संख्या में मेरे समाज के लोगों को यहां उपस्थित करा करके आपके बीच में, ताकि आपका संदेश उन तक पहुंचाने का काम कर सके। साथियों, मेरा सांसी समाज आपका ही समाज है, लेकिन दुर्भाग्य रहा, बहुत लंबा इतिहास की बात है, लेकिन हम ज्यादा लंबे इतिहास में जाना नहीं चाहेंगे। आज फिर कभी हम आप लोगों के बीच में आपसे इजाजत लेके आपके साथ बैठ करके इस इतिहास की बात करेंगे और सांसी समाज के शौर्य वीरता और शक्ति और संस्कार सभ्यता और पवित्रता के बारे में हम बात करेंगे, तो किसी फिर दूसरे दिन आपके बीच में करेंगे। बहुत लंबा इतिहास है सांसी समाज का। सांसी समाज के अंदर बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े शौर्य वीर पैदा हुए, लेकिन इस मनुवादी चापलूस लोगों ने हमारे समाज के साथ पल पल और छन छन धोखा करके, डिवाइडेड द रूल पॉलिसी अमेंडमेंट करके हमारी ताकतों को, हमारी शक्तियों को छिन भिन करने का काम किया। हम सब लोग बड़े पैमाने में अपने कबीलों के सरदारों के रूप में, जब छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे देश हुआ करते थे, उन पनागाहों में हम अपने सम्मान के साथ जिया करते थे। हमारे समाज के अपने नियम होते थे, हमारे कानून होते थे, हमारे संस्कार होते थे, हमारे सभ्यता होती थी, हमारे मरने जीने के, खुशी के तमाम अलग तरीके के तरीके होते थे। हमारे लोग राजा और रजवाड़ों से भी कभी कोई भयभीत होकर डरते नहीं थे। हमारे समाज के अंदर दुनिया का, विश्व का चमकता हुआ ऐसा शौर्य वीर राजा भी पैदा हुआ, जिसका नाम महाराजा रणजीत सिंह है। विश्व में उनको अंग्रेजी हुकूमतों की ओर से भी कहा गया कि महाराजा रणजीत सिंह जे मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ इंडिया एंड प्योर ए कम्युनिटी ऑफ सांसी। बट चंद चालाक लोगों ने उनको कई धर्मों के अंदर, कई उनके अंदर कह करके हमारी ताकत को कमजोर करने का काम किया। महाराजा रणजीत सिंह के इतिहास को छुपाने की बात कोशिशें करने की, ये महाराजा रणजीत सिंह वही है जो हमारे अमृतसर के अंदर, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, आज जितना भी स्वर्ण उस धन धन श्री गुरु नानक जी के उस प्रांगण के अंदर चढ़ा हुआ है, वो उन्होंने अपनी श्रद्धा भाव और पूर्ण से उनके आदर और सम्मान में, उनकी छत्री के रूप में या उनके प्रांगण के अंदर समर्पित करने का काम किया था। और उन्होंने कहीं सिख समाज या देश को नहीं, उन्होंने इतिहास के अंदर मैंने पढ़ा है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर भी उन्होंने सर्वण दान किया और बड़ा धन दान दिया है, उनको मान और सम्मान दिया, बड़े मानवतावादी, इंसानियतवादी वो राजा हुए। लेकिन दुखद बात है कि आज मेरे समाज की वो सत्यता, वो पवित्रता, वो शौर्य वीरता आज जिससे 21वीं सदी के अंदर देखने को मिल रही है, वो बदनुमा दाग,
कहीं हमें क्रिमिनल कहा जा रहा है, कहीं चोर कहा जा रहा है, कहीं डाकू कहा जा रहा है, कहीं शराब बेचने वाला। लेकिन दुर्भाग्य है, हम समाज का नेतृत्व करने वाले, हमारे समाज के अंदर जो है सी, अभी मेरे एक साथी ने, परम आदरणीय विद्वान भाई हाजी नूर जी ने बताया कि हमारी जहनियत के अंदर ये लोग कभी राजा बनने की बात ना सोचे, ताकतवर बनने की बात ना सोचे, कभी देश के उन राजाओं से, सत्ता शासकों से लड़ने भिड़ने की ताकत ना रख सके, उनके ह्यूमन और पावर को, इम्यूनिटी पावर को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो लाल फीता शाही डंडा शाही खाकी भर्ती को देख करके ही ऐसे हो जाएंगे, हम तो चोर हैं, कमजोर हैं। तो ऐसा हमारे समाज के साथ आज हो रहा है। ये बहुत लंबी दास्तान है। आज मेरा समाज जिन परिस्थितियों में डूब गया, वो कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। मेरा इतना बड़ा विशाल का है हाथी की तरह, मेरा 6000 साथियों, 43 जातियों का समाज, एक एक समाज को कर करके तोड़ा जा रहा है, हमारे भाईचारे को खत्म करा जा रहा है। मैं ये तो कहूंगा भाई हाजी नूर जी ने जो अभी कहा है, हमें आज वो वक्त की जरूरत है। जिस प्रकार हमने विदेशी मुगलों का मुकाबला करके उनको यहां से अपने देश के ऊपर, भारत के मूल निवासी मुसलमानों ने और भारत के सभी मूल निवासियों ने उनको यहां से भगाने का काम किया, ब्रिटिश हुकूमतों के यहां ब्रिटिशों को भगाने का काम करा, आज उसी रूप में हमारे को आज यहां से शपथ लेकर के जानी है कि हम अपने आप को कोई हिंदू मुसलमान या सारसी पारसी कोई या अन्य साथी जातियों का नहीं कहना है। आज हमें यहां से शपथ लेकर के जानी है कि हमें भारत का मूल निवासी कहना है। असल में हम इस भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन हमारे से उन लोगों ने धोखा छल कपट करके हमारे में भाईचारे में दरार पैदा करके एक दूसरे में दुश्मनी पैदा कर हमारे भाईचारे को खत्म कर दिया, हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अभी आपको अजगर की परिभाषा डॉक्टर एडवोकेट सतीश सांसी जी बता रहे थे, अजगर का मतलब है ऐसे अहिर जैसे जाट, जैसे गुजर और राज से। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे लोगों को हमारे से आपस में पिटवाया जा रहा, लड़ाया जा रहा है, तो अब हमें आज यहां से शपथ लेकर के जानी है कि हमने अपने आप को मूल निवासी कहना है। मैं एक बार कहता हूं सभी सांसी समाज की ओर से कि अब हम पूरा प्रयास करेंगे।